नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ किरण। नैनीताल में सोमवार को कालाढूंगी मार्ग पर बने शनिदेव मंदिर में शनिदेव की मूर्ति का एक युवक ने खंडन कर दिया था। इस घटना से स्थानीय लोग बेहद नाराज थे और उन्होंने पुलिस से इस मामले में जल्द से जल्द आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रात में ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके मंगलवार को कोर्ट में पेशी की गई। जानकारी के मुताबिक कालाढूंगी मार्ग पर बने शनि मंदिर में शनि देव की मूर्ति का सोमवार को किसी अज्ञात ने खंडन कर दिया था। स्थानीय लोगों को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने इसे उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ बताते हुए मामले की तहरीर में कोतवाल पुलिस को सौंपी। मामले में कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान तल्लीताल निवासी नवीन कुमार के रूप में हुई है। मंगलवार को पत्रकार वार्ता में कोतवाल धर्मवीर सोलंकी ने बताया कि सोमवार को नगर के धामपुर बैंड स्थित शनिदेव मंदिर में शनिदेव की मूर्ति को खंडित करने के लिए आरोपी नवीन कुमार को तल्लीताल धर्मशाला क्षेत्र से पकड़ा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश करने के लिए भेज दिया है। जैसे ही हमें सूचना की तत्काल हम मौके पर गए और हमने अपने उच्च अधिकारी से सूचित किया तो हमारे SSP महोदय ने तत्काल खुलासा के लिए हमें इसमें निर्देशित किया गया। तो हमारे द्वारा एक पुलिस टीम का गठन किया गया जिसमें हमने सारे तथ्यों के फिर जानकारी की गई, लोगों से पूछताछ की गई। उसके बाद एक जोनी नाम के व्यक्ति हमारे प्रकाश में आया जिसका नाम नवीन आर्य जोनी है, जो कि तल्लीताल क्षेत्र का रहने वाला है। इस सूचना में हमने आज सुबह हमारी पुलिस टीम ने उसको गिरफ्तार किया गया और उसको माननीय कोर्ट के सामने पेश किया गया। उसने पत्थर से वहीं से जो पत्थर उठाकर उसके द्वारा मूर्ति को तोड़ा गया। सामान नहीं थी, वो मूर्ति तोड़ी गई थी तो वो वहाँ मौके पर ही थी, उन्हें इसकी गिरफ्तारी। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।